हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अपना अलग अलग गुण होता है। कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत बुरा है, कोई जख्म देता है तो कोई जख्म भरता है, कोई साथ देता है तो कोई साथ छोड़ देता है, कोई प्यार से रहता है तो कोई नफरतें लेकर घूमता है। सबसे बड़ी बाधा है अधिक बोलना, सबसे बड़ा पाप है भय, सबसे खतरनाक है घृणा, सबसे बुरी भावना है ईर्ष्या, सबसे बड़ी भूल समय की बर्बादी है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मित्र है अपना ही हाथ, और जो कभी वापस नहीं मिलता वह है खोया हुआ सम्मान। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो, प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह। अगर आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह रक्तदान ही है। अगर आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान ही है। अगर आप कुछ भी खाते समय प्लेट में उतना ही लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो यह भी अन्नदान ही है। धन से पुस्तक तो मिल जाती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, धन से आभूषण तो मिल जाता है लेकिन रूप नहीं मिलता, धन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता, धन से साथी तो मिल जाते हैं लेकिन सच्चे मित्र नहीं मिलते, धन से भोजन मिलता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलता, धन से एकांत मिलता है लेकिन शांति नहीं मिलती। माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं, लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं, इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को प्रणाम करता था, लेकिन एक आदमी उसके प्रणाम का जवाब गाली में देता था। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, वो आदमी हर रोज़ तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे प्रणाम क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ूं? नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, मंदिर में पूजा करे घर में करे क्लेश, घर के बापू बोझ लगे पत्थर लगे गणेश, बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। किसी करीबी द्वारा बोला गया छोटा सा झूठ किसी बड़े हादसे से भी ज़्यादा तकलीफ देता है,
इसलिए जो भी बोलिए, जितना भी बोलिए, सत्य बोलिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बोले गए एक झूठ से किसी को भारी तकलीफ पहुंच सकती है। अच्छे समय से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे इंसान के साथ रहो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय तो ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और लोगों में मुस्कान बांटते रहिए।